विश्वानि देव सवितर दुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो योग को अपने को अपने सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे अधिक जिसको प्राथमिकता देनी है, किसी भी संदर्भ में जब कार्य हम करते हैं तो ऊपर ऊपर से यदि किसी बात को हम देखने लगेंगे तो उसका ना तो परिणाम आएगा ना उस काम को हम कर पाएंगे। तो एक वाक्य आप लोग लिख करके भी रख लें और इसको बहुत अधिक आपको समझना भी है। जिस सेवा में हम लगे हैं उसको हमें सर्वोपरि महत्व देना है। ये जीवन का सिद्धांत है और ये संगठन के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके लिए भी। जिस सेवा में हम भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, गुरु के द्वारा नियुक्त हैं, अपने अपने सबके प्रारब्ध भी हैं, कोई आप ऐसे अनायास तो आ नहीं गए इस अनुष्ठान में, गुरु ने, भगवान ने, आपके प्रारब्ध ने, सृष्टि के विधान ने आपका चयन किया, सिलेक्शन किया योग के लिए, बाकी सब उसका ये विस्तार है सारा। तो योग को सर्वोपरि महत्व देना है, सर्वोपरि प्राथमिकता देनी है, सर्वोपरि महिमा देनी है। ये एक अपना मूल वाक्य भी हो गया, मूल सिद्धांत भी हो गया। योग की कक्षाओं का विस्तार, योग के लिए प्रवास, योग के लिए योग प्रशिक्षक शिविर, योग के लिए जो अपने योग प्रचारक भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे संगठन की देखभाल, क्योंकि पिछले दिनों हमने योग प्रचारकों को यहाँ आमंत्रित किया, उनके पूरे कार्य की रिपोर्टिंग भी की, कुल मिलाकर के 35,000 से ज़्यादा 5 दिवसीय शिविर, 50,000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अपने योग प्रचारक हैं उनके द्वारा विद्यालय शिविर और 60,000 से ज़्यादा सभाएं, कुल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख कार्यक्रम योग प्रचारकों के द्वारा पूरे देश भर में हुए। ये बड़ी बात है, उनका एक एक संख्या से उल्लेख है। भाई नवीन जी और पुष्कर जी इस कार्य को देखते हैं, एक पूरी टीम बन गई है यहाँ पर 20-25 भाइयों की, जो योग प्रचारक निरीक्षक का भी काम करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग को भी देखने का काम करते हैं। और इस बार जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले हमारे योग प्रचारक थे, हमने पहले 11,000 से 21,000 का रखा था, लेकिन हमने कहा कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हमने, जो 11 सर्वश्रेष्ठ प्रचारक थे हमने उनको 21 से आगे बढ़ा करके 25,000 रुपये का हमने उनको मानदेय दिया, जिससे कि उनको गौरव की भी अनुभूति हो और उनका जो उत्तरदायित्व है घर परिवार का उसका भी ठीक से निर्वहन कर सके। कितने शिविर थे बताइए जरा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री के पावन संकल्पों से पोषित एवं संचालित हो रहे योग प्रचार प्रकल्प का जो वार्षिक आंकड़ा है उसे प्रस्तुत करते हुए प्रकल्प को अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। ये सभी जो सेवा कार्य हैं वो आप सबके समक्ष और पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में सादर समर्पित है। योग प्रचारक प्रकल्प के माध्यम से 700 से अधिक कार्यरत योग प्रचारकों के द्वारा इस वर्ष 11 माह में, जिसमें भी पूज्य महाराष्ट्र 2 माह विश्व योग दिवस की तैयारियों में लग गया था, यानी कि 9 माह में हमने 35,120 5 दिवसीय प्रामाणिक योग शिविरों का आयोजन किया है। और इसके साथ ही 1 दिवसीय विद्यालय योग शिविर के क्रम में 54,967 विद्यालय में विद्यार्थियों को योग सिखाया है।
और गांव-गांव में घरेलू उपचार के माध्यम से एवं स्वदेशी का जो संकल्पना पूज्य महाराष्ट्र लेकर चल रहे हैं वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस प्रकार के आरोग्य सभा जो सभाएं हैं वो 62,703 आरोग्य सभाएं हमने की हैं। और चूंकि आप सब लोग यहां पर संगठन से हैं तो हमने गांव से थोड़ी थोड़ी आहूति भी इस प्रकल्प के लिए इकट्ठा की है, तो हमने इस वर्ष 16 लाख का दान भी इकट्ठा किया है। और स्वदेशी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में जो सहयोग किया है अभ्युदय विभाग को, उसमें 5,467 स्वदेशी प्रतिष्ठानों को भी हमने स्थापित करने का एक सहयोग अपनी तरफ से अर्पित किया है। और इसके साथ ही 25,000 स्वच्छता अभियान और रैली, इन दोनों को मिलाकर हमने 25,000 का आंकड़ा पार किया है। इसके साथ ही वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान हो और उसकी जो मूल आत्मा है वैदिक यज्ञ हवन, उसमें हमने 5 दिवसीय शिविर के समाप्ति के उपरांत 15,230 हवन का भी सफल आयोजन किया है, जो कि गांव-गांव के स्तर पर हुआ है। और इसी में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्थानीय और राज्यीय और राष्ट्रीय जो बड़े प्रिंट मीडिया हाउस हैं उसके माध्यम से 9,710 बार हमारे पास रिपोर्टिंग जो आई है, तो 9,710 बार हम लोगों ने समाचार पत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है पूरे प्रकल्प और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की, जो योग के क्षेत्र में आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ष भर का जो एक रिपोर्ट कार्ड है या एक वार्षिक प्रगति है प्रकल्प की, वो मैंने आप सब लोगों के सम्मुख रखी। ओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान योग प्रचारकों को भी, क्योंकि अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा अपने प्रकल्प रखा था जो कि 5 लाख से अधिक लोगों का एक साथ योग करना, ये बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसके लिए भी हमारे बहुत से आप में से भी काफ़ी कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया और अपने योग प्रचारकों को भी सेवा में लगाया। अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई जयदीप जी, राकेश जी, सुमन बहन जी से लेकर के गुजरात के हमारे सभी प्रभारी भाई बहनों ने मिल करके एक बहुत बड़ा आयोजन किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा योग का आयोजन पतंजलि ने किया और शायद आगे भी इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो पतंजलि के कार्यकर्ता ही तोड़ेंगे इसको। एक मैंने बात की कि हमें संस्था के अंदर हम 5 कार्यों को सर्वोपरि प्राथमिकता दे सकते हैं और 5 कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हम टॉप 10 या टॉप 11, इससे ज़्यादा कार्यक्रम नहीं चला सकते, उससे ज़्यादा ध्यान में ही नहीं रहता। फिर व्यक्ति का जो एक सामर्थ्य है, ठीक है, जिनका बहुत अधिक व्यक्तित्व का विस्तार हो चुका है वो एक अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः हम 10 कार्यों से अधिक कार्य जो है सेवाओं को फिर क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो इसमें 5 जो आज के अभी सत्र में हम बात कर रहे हैं कि 5 कार्यों को हमें सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है, उसमें एक तो योग, और इसमें हमारे सारे प्रभारियों को भी, चाहे हमारे राज्य प्रभारी हैं या हमारे जिला प्रभारी हैं, उनको भी इस बात के ऊपर सर्वाधिक ध्यान देना है। देखो, मैं इसको थोड़ा, इस पहली बात को थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने, सर्वोपरि, सर्वोच्च महिमा, प्राथमिकता किसको देनी है हमें, योग को। निरंकारी सत्संग व्यास है तो वहाँ सबसे अधिक सर्वोपरि प्राथमिकता किसकी रहती है, उसमें सत्संग की रहती है। ब्रह्मा कुमारी के अंदर सर्वाधिक प्राथमिकता किसकी रहती है, ध्यान की रहती है। आर्य समाज में सर्वोपरि प्राथमिकता किसकी रहती है, यज्ञ की, ठीक है। गायत्री परिवार में सर्वोपरि प्राथमिकता किसकी रहती है, हवन की,
हवन की और गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र तो साथ में रहेगा ही, बिना गायत्री मंत्र के हवन कैसे होगा। हवन और गायत्री मंत्र की अच्छी बात है। आरएसएस में सर्वोपरि प्राथमिकता किसकी रहती है? शाखा की, शाखा लगाने की। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग एक दो तीन प्राथमिकताओं के बारे में लोगों को पता रहता है, उससे ज़्यादा लोग नहीं जानते। उसके बाद वो और क्या क्या करते हैं। अभी जैसे विश्व हिंदू परिषद की सर्वोपरि प्राथमिकता क्या है पता आप लोगों को? तो ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ संस्थाओं की प्राथमिकता को भी, जैसे क्योंकि वो राम मंदिर का, इसलिए क्योंकि वो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में चला था। थोड़ा बहुत जो जानते हैं वो पता है कि भाई इस समय विश्व हिंदू परिषद की जो कोई बड़ी सेवा के नाम से कुछ चल रहा है तो वो एकल विद्यालय चल रहे हैं, उसको संघ का बोलो या विश्व हिंदू परिषद का बोलो। ऐसे ऐसे कोई भी एक संस्था, कोई संगठन, एक दो तीन ये उसकी बड़ी प्राथमिकताएं होती हैं। तो हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता क्या है? योग, योग की कक्षाएं, योग के शिविर, निशुल्क योग सत्र और योग शिविर, ये हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। ये कार्य धरातल पर बहुत अधिक होना चाहिए और इसमें योग में आसन और प्राणायाम के साथ ध्यान, ये कम से कम 5 मिनट का ध्यान आपको आना भी चाहिए, कराना भी चाहिए, इस बार की प्राथमिकता का ही हिस्सा है। योग के साथ ध्यान, योग के साथ ध्यान की भी प्राथमिकता आपको देनी है। ध्यान के आपको 3 चरण तो आपको बताए हमारे सभी योग कार्यकर्ताओं में, एक तो योग सिखाने का, योग सिखाने का, ध्यान करने का और सिखाने का, ये स्किल तो आपके अंदर होना ही चाहिए ना। फिर दूसरा थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का भी आपके अंदर स्किल होना चाहिए, एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा स्किल होना चाहिए, और आध्यात्मिक विषयों में आपका मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। ये सबके लिए अनिवार्य है। योगासन प्राणायाम ध्यान, योगासन प्राणायाम ध्यान, सिखाने का, करने कराने का स्किल, दूसरा जड़ी बूटियों का, ये तो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा एक्यूप्रेशर का, ये स्किल होना ही चाहिए सबके अंदर। चौथा स्वदेशी, और पूरा जो अपने स्वदेशी का जो मूलभूत सिद्धांत और स्वदेश की जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसका मूलभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। इतना तो सबको होना ही चाहिए, नहीं तो आप फिर बोलेंगे क्या लोगों को। आप एक प्रशिक्षक की भूमिका में, एक गुरु की, आचार्य की भूमिका में आ जाते हैं जब आप जो है 50, 100, 200 लोगों को जब कुछ भी सिखाते हैं, तो आपका स्वदेशी का बोध, आपका स्वदेशी का ज्ञान और पूरा वैदिक संस्कृति, स्वदेशी व वैदिक संस्कृति का मूलभूत ज्ञान आपको होना ही चाहिए। ये तो आपके 4 स्किल होने चाहिए। अब ध्यान के बारे में हम आपको बता रहे थे, जैसे आप भगवान का स्वरूप, अब इसको लेकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं को भगवान के स्वरूप को लेकर के किसी तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आत्मा के स्वरूप को लेकर के, जैसे मैंने बार बार संकेत किया सुबह के सत्र में, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। हम सब स्वभाव से ही पूर्ण हैं, स्वभाव से ही सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हैं। ये मूलभूत ज्ञान हो गया आत्मतत्व का। अब इसमें यदि शास्त्र का थोड़ा प्रमाण भी हो ना, थोड़े शास्त्र प्रमाण भी आपको है ना, थोड़े शास्त्र प्रमाण, नहीं तो क्या है। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी हमारे भाई बहन जितने भी लेक्चर देते हैं, कोई शास्त्र प्रमाण उनको आता नहीं, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं। साइंस में यदि कोई रेफरेंस नहीं है, किसी कोई एविडेंस नहीं है, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा।
क्यों? क्योंकि कोई साइंटिफिक बात कर रहा है और कोई उसके पास रेफरेंस नहीं है, कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, उसके पास किसी भी तरह का कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, उसके पास में कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं है। बिना साइंटिफिक प्रूफ के कोई साइंटिस्ट बात करेगा बिना एविडेंस के, तो बिना एविडेंस के यदि कोई भी साइंटिस्ट बात करता है तो उसकी कोई बात सुनता है क्या? बोलो। ऐसे ही योग और अध्यात्म के संदर्भ में बिना रेफरेंस के कोई बात करे उसकी बात का की कोई मान्यता नहीं होती। आप कहेंगे जी उसकी तो अनुभूति है अपनी, अनुभूति सत्य है हम मानते हैं, लेकिन अनुभूति के साथ अपने पूर्व, अब जैसे कोई साइंटिफिक अपना, कोई साइंटिस्ट कोई अपना प्रमाण दे तो भी उसको एविडेंस के साथ देना पड़ता है, और एविडेंस रेफरेंसेस वो साइंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। तो कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कहे कि जी मान लीजिए कोई अलग अलग आजकल मतपंथ संप्रदाय है या कोई गुरु है, कोई कहे कि जी मैंने तो आत्मदर्शन कर लिया है, तो आत्मदर्शन के जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके रेफरेंसेस हैं, उसके एविडेंसेस हैं, उसके जो लक्षण हैं वो तो शास्त्र से मेल खाने चाहिए। इसलिए हमें कोई भी बात ना, थोड़े से प्रमाण, चाहे 5-10 ही याद हो हमको, 5-10 गीता के श्लोक, 5-10 योग सूत्र के श्लोक, कोई ऐसे 5-10 मंत्र, वेद के मंत्र कुछ तो आने चाहिए। अच्छा कोई ईसाई बात करता है तो कहीं ना कहीं वो बाइबल का कोई रेफरेंस देता है कि नहीं देता, बोलो हाँ? और कोई मुसलमान बात करता है तो कुरान का रेफरेंस देता है कि नहीं देता? ऐसे ही हम लोगों को थोड़े रेफरेंसेस याद होने ही चाहिए। तो आप लोगों ने याद कर रखे हैं? बोलो ना, होने चाहिए सबको, ये बहुत जरूरी है। थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े तो, और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए, प्रयत्न ये होना चाहिए हमारा। तो ध्यान के बारे में थोड़े आप लोग नोट कर लो, ध्यान के 3 चरण हमने आपको बताए, इतनी शिक्षा तो सबको होनी चाहिए। भाई देखो, उसका प्रशिक्षण आप देंगे तो भाई ध्यान के 3 चरण हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो स्तुति क्या बताया था? स्तुति मतलब भगवान की, स्तुति भगवान के गुण कर्म स्वभाव, भगवान के गुणों की महिमा को गाना, स्वीकार करना, भगवान के जो अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं उनको स्मरण करना, भगवान की दिव्यता का, भगवान के सामर्थ्य का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की विभूति का चिंतन करना, स्वीकार करना, मानना, भगवान की महिमा गाना, ये भगवान की स्तुति है। प्रार्थना मतलब भगवान को ही सर्वस्व मान करके और निराभिमानी हो करके भगवान की दिव्यता का वर्णन करना, और उपासना मतलब भगवान की दिव्यता अपने भीतर उतरने लगे, हमारे भीतर भगवान का प्रकाश, भगवान की गुण कर्म स्वभाव, भगवान की दिव्यता। हम 3 शब्द ही बार बार बोलते हैं, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान का सामर्थ्य हमारे भीतर उतरने लगे, हमारे भीतर ब्रह्मत्व घटित होने लगे, ये उपासना। उपासना माने वैसे हो जाना, भगवान के दिव्य गुण कर्म स्वभावों की जैसे हम स्तुति करते हैं उन दिव्यताओं से युक्त स्वयं हो जाना, ये उपासना। तो ये तो 3 चरण हो गए। इसके लिए माध्यम क्या है? स्तुति आदि के लिए, स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए माध्यम किसको चुना? ओंकार और गायत्री। इसके लिए माध्यम ये हो गए स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए।
कोई स्तुति किससे करेंगे, या तो कोई मंत्र से करेंगे, या तो कोई नाम से करेंगे, या तो कोई ऐसे भजन से करेंगे। तो भजन से भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से करते रहते हैं, है ना। फिर एक खास बात, इसके लिए माध्यम भी बता दिया आपको ना, ये बातें आपको जब आप ध्यान सिखाएंगे तब बोलनी पड़ेंगी आपको ना। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का स्वरूप, आत्मा परमात्मा प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप बोध, जब इसको बोलते हैं तब प्रवाह में बोलते हैं। जब आपको जानना, क्योंकि मैं प्रवाह में जब बोलता हूँ ना तब आप लोग सुनते चले जाते हो, उसको नोट नहीं करते हो, मैं देखता हूँ, तब आप उस भाव चेतना से लयबद्ध तो हो जाते हो, लेकिन ये आपकी स्मृति में नहीं उतरते ये बातें। मैं अब आपसे पूछता हूँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा, मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा सुबह, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये आत्मा का स्वरूप है। क्या आत्मा सर्वज्ञ है? क्या आत्मा सर्वशक्तिमान है? क्या आत्मा सर्वव्यापक है? तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ लोग तर्क वितर्क करेंगे तो कहेगा जी शास्त्र में तो ऐसा लिखा है आत्मा तो सर्वव्यापक है, कोई ऐसा बोले, शास्त्र की भी तो तरह तरह से लोग व्याख्याएं करने लगते हैं ना। तो बोले भैया किसी शास्त्र में पहली बात तो वो जो लिखा है वो परमात्मा के लिए लिखा है, और भाई सर्वव्यापक आप हो तो आप बता दो इस समय अमेरिका में क्या चल रहा है, आप सर्वशक्तिमान हो। तो बोले जो है चलो धरती को उठाना तो बहुत परमात्मा ने तो सर्वशक्तिमान, इसलिए सारे धरती सूरज चांद सबको आकाश में लटकाया हुआ है। बोला आप ऐसा करो 200 किलो वजन उठा दो सर्वशक्तिमान हो तो, या सर्वशक्तिमान होता आसमान में उड़ के दिखा दो, भाई सर्वशक्तिमान तो कोई भी कर कुछ भी कर सकता है, या आप जो है अपने हथेली पे आग लगा के दिखा दो, भाई सर्वशक्तिमान तो कुछ भी कर सकता है। तो हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, सर्वशक्तिमान तो परमात्मा ही है, हम आत्मा हैं और हम सबका आश्रय परमात्मा है। परमात्मा जो है और आत्मा में क्या अंतर होता है? सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, अजर अमर तो हम भी हैं, अजर हैं, अमर हैं, नित्य हैं, अविनाशी हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। फिर ये मुक्त होते हुए भी ये तो अज्ञान के कारण से बंधन है, बाकी तो ऐसे मुक्त हैं। शरीर में अविवेक के कारण से हमारा बंधन हो जाता है, शरीर में भी विवेक हो जाए तो शरीर के रहते हुए हम मुक्त हो जाते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है हम, हमारे भीतर सभी प्रकार की पूर्णता परमात्मा ने प्रदान की है, सब प्रकार के दिव्यता, ज्ञान की दिव्यता, संवेदनाओं की दिव्यता, कर्मों की दिव्यता प्रभु ने प्रदान की। तो ऐसे आत्मा के स्वरूप के बारे में आपको बोध होना चाहिए। फिर परमात्मा का कैसा स्वरूप है? थोड़ा नकारात्मक पूछूं तो क्या परमात्मा किसी एक प्रतिमा विशेष में या किसी एक मंदिर किसी विशेष में, कोई तीर्थ विशेष में, कोई स्थान विशेष में, एक जगह क्या उसको बांधा जा सकता है? तो फिर आपसे कोई पूछे कि ये जो मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की और अलग अलग अवतारों की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं ये क्या है? तो जो मंदिरों में या देवस्थानों पर जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं ये देवी देवता और भी जिनको अवतारी पुरुष कहा जाता है, तो ये क्या है? हैं प्रतीक, ये महान आत्माएं हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ऐसा ये हमारे पूर्वज हैं कि नहीं है? तो इसमें ज्यादा तर्क वितर्क मत करना, बड़ा बखेड़ा है इसमें। तो इसमें इतना ही बोल देना कि ये हमारे पूर्वज हैं
और इन जैसा हमको होना है, इसलिए मंदिरों में इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं बस। फिर बोले ध्यान किसका करना, बोले जिसका ध्यान भगवान राम ने, जिसका भगवान ध्यान कृष्ण ने, जिसका ध्यान शिव जी ने लगाया वो ओंकार था, उसी का ध्यान कर। तो बाकी कोई ज़्यादा वाद विवाद करे, बोले जब देखो इसमें कोई वाद विवाद की तो बात है नहीं, ये हमारे पूर्वज थे, हम उनकी संतान हैं और उन जैसा हमको बनना है, इसलिए उनके चित्रों से वैसा चरित्र बनाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इसमें बहुत तरह के तर्क वितर्क करते हैं लोग, तो इसमें पचड़े में मत पड़ना। लेकिन आपको ये बोध होना चाहिए कि परमात्मा एकदेशी नहीं है। तो बोले कि भगवान के तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार दो रूप बताए ही हैं। तो बोले सगुण साकार का मतलब ये पूरा अस्तित्व है, उसमें मंदिर की मूर्ति भी आ गई और पूरा जगत भी आ गया। भगवान के दो स्वरूप है ना, जैसे आत्मा के भी दो स्वरूप है, एक ये जो दिख रहा है ये भी तो आत्मा ने धारण किया हुआ है ना, ये जो हमारा सशरीर आत्मा है ये आत्मा का सगुण साकार रूप है ये जो दिख रहा है। जैसे मैं, मेरा नाम स्वामी रामदेव, ये तो एक शरीर का नाम रख दिया गया, संज्ञा रख दी गई, ये अनित्य है ये संज्ञा तो। लेकिन जो मैं स्वामी रामदेव, जो मैं आत्मा हूँ, उसने ये सगुण साकार रूप धारण किया हुआ है, इन हाथों में चेतना है और ये चेतना आत्मा की है, तो ये आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। ऐसे देखने में ये जड़ है लेकिन इसके अंदर चेतना है, क्यों, इसके अंदर आत्मा है तो चेतना भी है। इसको शरीर से अलग कर दो तो सड़ जाएगा ये, क्योंकि जो इसकी जो घनीभूत चेतना थी वो निकल गई, बाकी तो सारा जगत ही चैतन्य से भरा हुआ है। परमात्मा तो सूक्ष्म रूप से, वो अदृष्ट रूप से है, अदृष्ट रूप से तो कोई जड़ है ही नहीं, सब में जड़ में भी चेतन है ही, तो प्रधानता से जड़ चेतन का कथन किया जाता है। तो परमात्मा भी सगुण साकार है, तो फिर आप कहेंगे कि ये फिर वो मूर्ति वाली घटना में आते हैं, तो बोले सगुण साकार मतलब ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का सगुण साकार रूप है, खाली एक प्रतिमा विशेष नहीं, तो हम उस प्रतिमा का भी कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवान अवतार लेता या नहीं लेता, बोले जी ये तो ना तो हमने लेके देखा ना किसी को लेते देखा, तो ये तो भाई कोई विद्वानों की बात है, कोई बहुत जो शास्त्र पढ़े हों वेद शास्त्र आदि, तो भाई हम तो इतने ज़्यादा पढ़े नहीं, जिन्होंने पढ़ रखे उनसे पूछ लो भाई, इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत भयंकर मामले हैं ये, इनमें उलझ करके। तो फिर आप यदि थोड़ा और स्पष्ट होना चाहो तो इतना ही कहो कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन जिनको हम ईश्वर का अवतार कहते हैं, इन्होंने अपने शरीर इंद्रिय और चित्त भाव से ऊपर उठ गए थे, इसलिए इनको अवतारी पुरुष कहते हैं। हम भी नर से नारायण हो सकते हैं, जीव से ब्रह्म हो सकते हैं, उन जैसे ही हो सकते हैं, तो हम सभी भी भगवान के अवतार हैं इस रूप में, तो हम सभी भगवान ही के अवतार हैं, भगवान ही की सारा सामर्थ्य हमारे भीतर है। तो परमात्मा के कोई दो स्वरूप बताएं ना, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार ये पूरा जगत ही भगवान का सगुण साकार रूप है, और ऐसी ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसे ही शास्त्रों में भी कहा है, द्वे हवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, भगवान के मूर्त अमूर्त दो स्वरूप कहे हैं, ऐसे हमने शास्त्रों में का स्वाध्याय किया, ऐसे गुरुजनों से सुना है। तो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप इतना तो बोध हो गया ना, ये तो बताए आपको, सुबह से बता ही रहे। प्रकृति का स्वरूप क्या है, है जी, सत्व रज और तम, ये त्रिगुणात्मक पूरी प्रकृति है, इसके भी दो स्वरूप हैं, एक तो व्यक्त है ये, एक अव्यक्त है। अव्यक्त प्रकृति तो दिखती है ही नहीं, जब ये सगुण साकार रूप लेती है भगवान के सामर्थ्य से तब ये दिखती है। तो इसके बारे में काफी बार तो चर्चा की है, लेकिन प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, तो विकृति तो आदमी के अविवेक में है। प्रकृति में परमात्मा ने जो जो तत्व बनाए हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, तो प्रकृति में भी दोष नहीं, आत्मा भी दोष नहीं, परमात्मा में भी कोई दोष नहीं, तो दोष कहाँ है फिर ये है? आदमी के अज्ञान और अज्ञान
अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति में दोष है, दुख है। तो ये इतनी बात बहुत बड़ी है, इसके लिए तो घंटों का सत्र चाहिए, लेकिन आपको मूल रूप भूत रूप से बात बता दी गई। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का सही सही स्वरूप का बोध होने पर अब इस अस्तित्व को जितना कोई गहरा समझता जाता है उतना ही इसके बारे में और वो जानता जाता है, कहता जाता है, कितना ही इसको सारा ज्ञान विज्ञान इसी पर आधारित है। अब इसको कितना ही कोई समझ ले। तो ध्यान के संदर्भ में भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना आत्मा परमात्मा प्रकृति का स्वरूप ये इतना बोध होता है।